प्रश्न संख्या तीन में हम लोग बनाएंगे। इसमें प्रश्न संख्या तीन में क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु पी है, यानी ए बी ठीक है बीसी पर एक बिंदु क्या है पी है, तो ये जो है ये हो गया पी आपका, एक बिंदु पी है, सत्यापित कीजिए यानी प्रूव करना है आपको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बड़ा है टू ए पी सी, ठीक है अब हमको करना है सिद्ध करना है। तो चलिए यहां लिखिए, यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, पहले इसको सिद्ध क्या करना है लिखना होगा, पढ़े पहले सिद्ध करना है, करना है क्या सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन लिखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बड़ा है किससे बड़ा है टू ए और पी से बड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज नंबर एक और ये त्रिभुज नंबर दो बन रहा है ना, दो त्रिभुज, तो ये दो त्रिभुज का किसी त्रिभुज को आप ले लीजिए, एक त्रिभुज को हम लोग ले लेते हैं, इधर वाला त्रिभुज को ले लेते हैं पहले, ठीक है इस वाला त्रिभुज को लिखते हैं, तो त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है त्रिभुज ए बी पी में ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आप लोग जो पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि त्रिभुज जो होता है कि ये भुजा का जोड़ इस भुजा से क्या होता है बड़ा होता है ना, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं एक बार में, तो हम लोग जोड़ लेते हैं, तो ए बी यहां लिखते हैं, इसलिए ए बी प्लस ए पी, ए पी बड़ा होता है किससे होता बड़ा बी पी से, बी पी से, ठीक है इस भुजा को हम लोग जोड़ लेते हैं, यहां क्वेश्चन में एपी दिया है ना, यहां ए और पी, तो टू एपी करने के इधर यदि हम कर देंगे तो नहीं हो सकेगा, इसलिए जो है हम लोग को इस भुजा को नहीं लेके, हम लोग को इस भुजा को, इस भुजा को लेना होगा, ठीक है वो भुजा को नहीं लेना है, चलिए वही लेते हैं सुविधा के अनुसार, तब तो हम लोग को तो दिक्कत होगा थोड़ा सा, तो चलिए यहां पर लेते हैं ए बी और बी पी, ए बी और बी पी बड़ा है ए पी से, हो गया इसका है यहां एक, ये हो गया समीकरण एक। अब फिर लिखिए त्रिभुज ए पी सी में, ठीक है तो इसी में भी इस तरह करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, ठीक है तो उसमें जो है लिखेंगे, इसीलिए ए सी जोड़ पी सी, ए सी जोड़ पी सी बड़ा होगा किसका बड़ा होगा ए पी से, ए पी से बड़ा होगा, ये समीकरण दो हो गया, समीकरण कितना हो गया ये दो, लिख दीजिए आप इतना दूर तक समझ गए, चलिए अब हमारा जगह नहीं है थोड़ा इसके त्रिभुज को मिटाना होगा, इसका कोई काम नहीं है, अब चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है मिटा देने के बाद यहाँ समीकरण यहाँ लिखिए, इसीलिए समीकरण एक और दो को जोड़ने पर तो समीकरण एक क्या है यहाँ है ये, तो देखिए यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या नियम है कि यहाँ जो ये बड़ा बड़ा जो सिंबल दिया है यहाँ पर दिया है ये, तो ये दो साइड है ये, यानी बड़ा छोटा का जो दो पक्ष हो गया, एक पक्ष ये है एक पक्ष ये, तो ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है तो इसको जो है यहाँ से यहाँ इसके और इसको एक साथ लेंगे और इन दोनों को जो है एक साथ लेंगे, ठीक है तो पहले इस दोनों को ले लेते हैं, तो यहां देखिए
इसलिए यहाँ ये सबको मिटा दीजिए, कोई आवश्यकते नहीं है इसको, इसीलिए यहाँ लिखिए। इसीलिए यहाँ हो गया आपका ए बी प्लस बी पी प्लस, इसको लीजिए फिर ए सी प्लस पी सी बड़ा है, ठीक है, यहाँ लिखिए ए पी जोड़ फिर ए पी, लिख दिए। अब यहाँ यहाँ नीचे में आइए, दोनों में आ गया नीचे में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ए ए बी ठीक है, और बी पी यहाँ देखिए, अच्छा ए पी और यहाँ त्रिभुज को तो मिटा दिए, लेकिन त्रिभुज का अभी काम आ गया, यहाँ सब बना देते हैं, त्रिभुज का भी काम आ गया, तो यहाँ देखिए बना लेते हैं। क्या बोला था, एलम है यहाँ, ये हो गया पी ने, ये सी, यहाँ ए और ये बी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी ठीक है, और ए बी हो गया जोड़, और कितना ए बी और दूसरा दूसरा जो भुजा हो गया ए बी और ए सी, यहाँ का है ए सी, यहाँ ए सी है ठीक है, ए ए बी प्लस ए सी, ये भुजा हो गया। अब ये दोनों को जो बच गया, दोनों दोनों को हम थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, क्यों क्यों ब्रैकेट में लिखे हैं, बी पी जोड़ पी सी, ठीक है, बड़ा है, एक तो एक ए पी और एक बी, यहाँ हो गया दो ए पी, दो ए पी हो गया। तो अब यहाँ देखिए एक बात का ध्यान दीजिए आप, ये तो हो गया ठीक है, ये है, ये ए सी हो गया, ये भी है, सही हो गया ठीक है, यहाँ ये सही हो गया आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम इस लाइन को पूरा बोलने के लिए हमको क्या बोलना पड़ेगा, पूरा लाइन को, पूरा लाइन को हमको बोलना पड़ेगा कि बोलने, पूरा लाइन को बोलने के लिए बोलना पड़ेगा ए बी पी जोड़ पी सी, ठीक है, पूरा लाइन को। तो इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी प्लस ए सी जोड़, ठीक है, दोनों को क्या बी सी लिख देते हैं, बी सी बड़ा है टू ए पी। तो यहाँ पर देखिए ये जो सिद्ध करना है ये आया कि नहीं, तो यहाँ ए बी आ गया है, बी सी आ गया है और ए सी आया, तो इसको सही ढंग से सिस्टमेटिक लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बड़ा है टू ए पी सी, तो ये आपका निकल के आ गया, तो हो गया आपका प्रूव्ड। में देखिए चार नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, तो यहां ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना लीजिए, बना लिए चतुर्भुज, उसका नाम भी ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसका नाम भी दे दीजिए ए बी सी और डी, दे दिए। यहां आपको लिखना पड़ेगा, यहां लिखिए रचना, क्या करना, रचना क्या करना है, ए सी ए को सी से तथा बी को डी से मिलाया, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, तो ये जहाँ बिंदु बना वहाँ उसका नाम हो गया ओ, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको चतुर्भुज त्रिभुज जो बन गया, यहाँ चार त्रिभुज बन गया, त्रिभुज नंबर एक दो और तीन, यहाँ त्रिभुज चार, चार त्रिभुज आपका बनकर रेडी हो गया।
उसके बाद यहाँ जब जो है क्या और क्या दिया है, रचना कर दिए, सिद्ध करना है, उसके बाद दूसरा लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, तो देखिए सिद्ध करना उसको लिखना होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस, ये बड़ा है टू किससे, ए सी प्लस बी डी सी, है ना, यही सिद्ध करना है। अब आपको इतना दूर कर लिया, तो अब यहां जो है, अब यहां है प्रमाण, ये आपको प्रमाण लिखना होगा, प्रमाण आपको देना पड़ेगा ना कि किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये दोनों के ये सब ये जो जोड़ जो है ये सब बड़ा है ये सब छोटा है, कैसे कह सकते हैं आप, तो आप उसके लिए प्रमाण देना होगा। तो आप प्रमाण देने के लिए आपको किसी भी त्रिभुज में आप आइए, ठीक है, जो त्रिभुज में आपको आना है, एक त्रिभुज चारों में से किसी त्रिभुज में आइए, तो आप हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं ये वाला त्रिभुज में, एक नंबर त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, एक त्रिभुज आ गया बी में। तो अब यहां पर देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या है, ये दोनों भुजा जो जोड़ेंगे तो ये भुजा से क्या होगा, ये दोनों भुजा इस भुजा से बड़ा होगा, यहां लिखेंगे ए ओ प्लस बी ओ बड़ा है, किससे बड़ा है, ए बी से, ये समीकरण एक हो गया, ठीक है। उसी तरह से त्रिभुज लिखेंगे, फिर त्रिभुज लिखिए पुनः त्रिभुज दो नंबर में क्या है, ए दो नंबर का त्रिभुज लीजिए ए ओ डी, ए ओ डी में, ए ओ डी में जब हम लेंगे तो क्या होगा, ए ओ प्लस डी ओ बड़ा है, किससे बड़ा है, ए डी से, ए डी से, ए सी ने, ए डी से, ए डी से बड़ा है, क्या ये भुजा क्या होगा, इस भुजा से क्या होगा, दोनों ये दोनों भुजा जोड़ने के बाद बराबर होगा इस भुजा से, ए डी से, तो ये समीकरण हो गया दो। फिर यहां लिखिए आप पुनः त्रिभुज, अब तीन नंबर में लिखिए त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है, तो यहां आपको ये इस भुजा को लीजिए, तो यहां होगा डी ओ प्लस सी ओ बड़ा है डी सी सी, हैं लिख दिए, सी डी लिखा वहां तो सी डी लिखिए सी डी सी, ठीक है, ये समीकरण आपका हो गया तीन, ठीक है। और एक बार पुनः लिखिए, फिर पुनः लिखिए पुनः त्रिभुज चार नंबर में लिखिए बी ओ सी में, बी ओ सी में, इस चार नंबर वाला त्रिभुज में, तो चार वाला त्रिभुज में क्या हो जाएगा, यहां ओ सी या सी ओ, सी ओ प्लस बी ओ बड़ा होगा बी सी से, ये हो गया समीकरण आपका चार, हो गया ना, चार समीकरण आपके पास आ गया। अब यहां लिखिए, अब हमको त्रिभुज का आवश्यकता नहीं है, इस त्रिभुज को मिटा देते हैं, जरूरत पड़ेगा फिर बना लेंगे। सिद्ध करना तो रहने देते हैं, कसो काम आएगा। अब यहां देखिए चार है इसलिए लिखिए यहां पर, इसलिए समीकरण एक दो तीन
और चार को जुड़ने पर आपको ये इतना लिखना है, जुड़ने पर चारों समीकरण को, जैसे पल दोनों चार तीन नंबर में लिखे थे ना सबसे समीकरण को जोड़े थे, उसी प्रकार से जो है इस समीकरण को भी हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, देखिए इसको यहाँ से और यहाँ से एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है, और उधर जो साइड में जो बच गया उसको अलग जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ जोड़ना शुरू करते हैं, इसलिए यहाँ लिखिए पहले क्या है, ए ओ प्लस डी ओ प्लस एक का हो गया, ऐसे पहले इसका लिख दिए कोई बात नहीं है, इसका लिखते हैं ए ओ प्लस बी ओ, ठीक है, प्लस ये दोनों का हो गया, अब दोनों का लिखते हैं डी ओ प्लस सी ओ हो गया, इसके बाद यहाँ पर फिर लिखते हैं सी ओ प्लस बी ओ लिख दिए, बड़ा है, अब ये सब का लिखना है, चार तो है ना, ए बी प्लस ए डी प्लस और दो तो बच गया है यहाँ सी डी प्लस उसके बाद बी सी इतना दूर हम लोग लिख लिए। इतना दूर लिख लेने के बाद अब हम लोग आइए सब को क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो कौन कौन सा जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ हम चतुर्भुज को हम बना लेते हैं अच्छा रहेगा, ताकि अभी समझाने में आपको काम आएगा, हमको क्या क्या लिखे थे चतुर्भुज कौन सा था, ए अच्छा था ए ना, यहाँ था ए बी सी डी, इसको मिला दिए थे यह ओ था, कोई बात नहीं यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए ओ ठीक है, और कहीं है ए ओ नहीं है, बी ओ यहाँ बी ओ है, सी ओ है, ठीक है। तो जितना जो है हमको सबको एक साथ हम लोग को लिख देना पड़ेगा, ए ओ प्लस, तो अब यहाँ डायरेक्ट लिखिए ना अच्छा रहेगा, ए ओ और ए ओ के तो है दो ठो हो गया, ए ओ हो गया, ए और ओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी ओ और बी ओ लिखिए, दो टो हो गया बी ओ, दो टो हो गया सी ओ प्लस, है ना, सी ओ एक यहाँ है एक यहाँ, दो टो हो गया। उसके बाद यहाँ क्या क्या बच गया, ये तो ये हो गया, ये भी हो गया, एक बच गया है डी ओ बच गया, डी ओ एक बच गया, ठीक है। अब यहाँ से इसमें भी जुड़िए, बड़ा है, एक ए बी है, ठीक है, ए डी है, सी डी है, बी सी है, ठीक, अलग अलग है सब अलग अलग है ना, सब अलग है ये, तो ये सब जुटेगा नहीं, ए बी और सी डी, ठीक है, ए डी ए बी ए डी सी डी और बी सी, ये सब जुड़ेगा नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, नहीं जुड़ेगा रहने देते हैं, क्वेश्चन में यहाँ देख लेते हैं वो सब है कि नहीं है। अच्छा तो अब यहाँ पर आइए इसी तरह से इसको लिख देते हैं, ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस बी सी, कोई बात नहीं लिख देते हैं। अब यहाँ पर आइए आप लोग फिर एक बार देखिए, यहाँ पर ये सब में दो दो यहाँ से यहाँ तक है, सब में दो है ना, एक और हो जाए, ओ सॉरी एक बार डी ओ यहाँ भी था, देखिए डी ओ और डी ओ यहाँ सा, तो दो डी ओ करके हो गया, ठीक है, सब में दो दो करके है, तो दो को कॉमन निकाल दीजिए, कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ए ओ प्लस बी ओ प्लस सी ओ प्लस डी ओ, ब्रैकेट डाल दिए, यहाँ लिख दीजिए ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस बी सी, यहाँ तक तो लिख दिए,
चलिए अब यहां पर देखिए ए ओ, ए और ओ, ठीक है, और ए ओ और सी ओ, सी ओ सी बोलिए यहां, तो एक बार इसको सजा के लिख लेते हैं, यहां लिखिए ए ओ प्लस सी ओ प्लस बी ओ प्लस डी ओ, ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस बी सी, ये लिखे हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां से यहां से ओ, यहां पर देखिए ए ओ, ए ओ कहां से हो गया, यहां से यहां, और सी ओ, सी ओ हो गया यहां से यहां तक है, तो ये दोनों यहां से यहां तक का जो दूरी है आधा टुकड़ा, ये आधा टुकड़ा, तो हम आधा टुकड़ा को क्यों बोलेंगे, डायरेक्ट एक साथ बोल देंगे, ए सी बोल सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग उसको डायरेक्ट, इसको दोनों को एक साथ बोल देंगे ए सी, तो यहां पर इसको डायरेक्ट बोल देंगे ए सी, और यहां इसको बोल देंगे यहां पर बी और बी डी, बी डी बोल देंगे। तो यहां देखिए, यहां लिखना है टू ए सी प्लस बी डी बड़ा है ए बी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस बी सी। अब हम लोग कुछ किताब का क्वेश्चन को तो मिटा दिए हम, अब यहाँ निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बुक में आपका यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस है, बी सी भी है, ठीक है, उसके बाद है सी डी, सी डी भी है, और उसके बाद है डी ए है, तो ए डी बोलिए या डी ए बोलिए एक ही बात है, तो इसको भी हम लोग सही लिख देते हैं, ठीक है, तब आपका एकदम एक्यूरेट मिला देंगे, दो ए सी प्लस बी डी हो गया, बड़ा है ये दोनों क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, ये तीनों से जो है बड़ा है ना, तो इसको हम सजा कर देते हैं, लिखते हैं इसको ए बी, उसके बाद क्या है बी सी प्लस, बी सी प्लस, उसके बाद है सी डी, सी डी प्लस है डी ए, डी और ए, ये आप आपका एक्यूरेट जो किताब में जैसे है लें, लेकिन किताब में क्या है आपका ये वाला जो है इधर है और ये वाला इधर है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिखिएगा फिर आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए हो गया, क्या है ये दोनों क्या है छोटा है, ठीक है, दो ए सी प्लस बी डी सी है ना, देखिए ये वाला जो है बड़ा है, ये सब क्या है छोटा है, तो उसी तरह से यहाँ पर ये वाला बड़ा है, ये वाला क्या है छोटा है, तो यहाँ आपका हो गया प्रूट, P R O V E D, आपका ये